गुड yes, इवनिंग जी सभी को कैसे हैं आप सभी जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़ सभी टाइमली एंड एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है आपकी ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार मुझे कंफर्म कर दो एक्चुअली मैंने क्लास तो 5 पीएम ही आपकी स्टार्ट कर दी थी बट आई नो शायद वो किसी और ही कोर्स लाइव चलेगी थी। अभी चेक करना जरा एवरीथिंग इज क्लियर परफेक्ट है सभी थी तो कॉमर्स की ही क्लास वो भी पता नहीं क्यों कि आप लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे जल्दी जल्दी प्लीज क्लास को स्टार क्लास ज्वाइन कर लो प्लीज जल्दी जल्दी से काफी टॉपिक कवर करने वैसे ही पांच मिनट हो चुके हैं थम्सअप दे दो सभी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए एक बार कोई भी डाउट है अगर आपका वी वॉन्ट जे आर एफ जून दो हजार चौबीस लिख दीजिए सभी पिंकी जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी पिंकी uh, जी मुझे ये बताना कि 5 पीएम आप क्लास ज्वाइन कर रहे थे क्या हो रही थी क्लास ज्वाइन क्योंकि 5 पीएम भी मैं लाइव आई थी आई डोंट नो था तो वो कॉमर्स का ही कोर्स बट पता नहीं क्यों उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहा था फिर अगेन मैंने एंड करके क्लास को ज्वाइन किया है इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया पांच मिनट आपकी डेली होती है कॉमर्स की क्लास फाइव पीएम टू आपकी सिक्स पीएम तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लिया करो ओके okay, और अभी हमारा चल रहा है यूनिट सेकंड यूनिट वन हमारा कंप्लीट हो चुका है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस और यूनिट सेकंड हमारा चल रहा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जिसमें कि हम कर रहे हैं आपका कॉरपोरेट uh, अकाउंटिंग और आज में भी लास्ट सेशन रहने वाला है कॉरपोरेट अकाउंटिंग का ठीक है जल्दी से जल्दी हम कवर करेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हमारा हो चुका है शेयर फॉर फीचर एंड रीशो ऑफ शेयर ये भी कवर कर दिया है हमने अमलगमेशन मर्जर और एक्विजिशन ये हम कवर करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी हो चुका है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी सारा का सारा हम कर चुके हैं ओके जी गुड इवनिंग ममता जी सभी को गुड इवनिंग पिंकी राय जी गुड इवनिंग चलिए फिर करते क्लास को स्टार्ट जल्दी से जल्दी लिख दीजिए प्लीज सभी कमेंट कर दो वी वांट जेआरएफ इन जून 2024 और आज शाम तक आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे जो हमारी क्लास हुई है रीशो ऑफ शेयर्स फोर फीचर्स वगैरह कंटेंट में जाकर ठीक है जिनको नोट्स नहीं मिले मे भी ममता जी आ, आपका डाउट था शायद ये मैंने यूट्यूब पे आपका कमेंट देखा था कि आपको नोट्स नहीं मिले हैं तो अभी आपका डाउट सॉल्व हो चुका है क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है आपको नोट्स मिल गए हैं कॉन्टेंट में जाना है ठीक है नोट्स में जाना है पेपर टू ओके जून दो वहां पर आपको यूनिट वन बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस वहां पे सारे के सारे आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है सारी फाइल्स मिल जाएगी और यूनिट सेकेंड आपके अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के भी सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे ठीक है, है आपकी एट फाइल्स है अकाउंटिंग की और पंद्रह या सोलह फाइल्स है आपकी स्कीम बिजनेस इन्वायरमेंट की ठीक है क्लियर है येस मैम ओके गुड चलिए करते फिर स्टार्ट जल्दी से लिख दीजिए प्लीज सभी कमेंट करें वी वॉन्ट जे जून दो ओके okay, हम कर रहे थे मर्जर एक्विजिशन एंड आपका ठीक है कल हमने ये कर दिया था और मर्जर में मैंने आपको बताया था ए और बी ठीक है मारुति और आपको सुजुकी का एग्जाम्पल दिया था दोनों आपस में मिल गई ए और बी ये क्या बन गया ए बी बन गया मीन्स मर्ज हो गया आपस में तो मारुति और सुजुकी अलग अलग थी जो मारुति है वो इंडिया की है, सुजुकी जो है जापान जापान की कंपनी है ये आपस में मर्ज हो गया और ये क्या बन गया मारुति सुजुकी बट अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ए और बी कंपनी है सपोज ठीक है आइडिया और वोडाफोन कल मैंने आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया था तो आइडिया ने किसको खा लिया वोडाफोन को खा लिया और जो वोडाफो

चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं amalgamation आपका ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी दिस अमल गिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो से ज्यादा कंपनीज हो सकती है ठीक है मर्चेंट में आपकी दो कंपनियां रहने वाली है एक्विजिशन में आपकी दो कंपनियां रहने वाली है बट amalgamation में क्या होता है दो से ज्यादा कंपनी होती है ठीक है और यहाँ पे एक न्यू कंपनी वो बनाते हैं जैसे कि मान लो कंपनी ए है कंपनी बी है ठीक है ये क्या बना देंगे कंपनी सी बना देंगे एक न्यू कंपनी का निर्माण करेंगे अमलगमेशन ये होता है ठीक है अगर हम मर्जर की बात करें मर्जर में क्या होगा ए और बी कंपनी है आपस में मिलगी क्या बनगी ए बी ओके क्लियर है एक्विजिशन में क्या होगा ए और बी कंपनी ए ने बी को खा लिया मीन्स की बी का जो एक्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया और क्या रह गया ओनली ए बट अमल कमीशन में क्या होगा ए और बी कंपनी थी इन दोनों ने क्या किया एक न्यू कंपनी बना दी उसका नाम है कंपनी सी इतना क्लियर है सभी को चले अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन क्या है कॉग्लोमरेट हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाँ यहाँ तक कल हम पहुंचे थे ठीक है एफडीआई का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था जहां पर मैंने आपको अः ये सारी चीजें बताई थी कॉग्लोमरेट क्या होता है हॉरिजेंटल क्या होता है वर्टिकल क्या होता है फॉरवर्ड एंड आपका बैकवर्ड वाला जब हमने फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया था कहाँ पे यूनिट वन में हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कहीं ना कहीं आपके वो कॉन्सेप्ट काम आते हैं सेकेंड यूनिट में थर्ड यूनिट में इस तरह से इसलिए मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ जब भी किसी चीज को पढ़ो लाइक like आप यूनिट वन पढ़ रहे हो यूनिट सेकेंड पढ़ रहे हो यूनिट थर्ड पढ़ रहे हो पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है जैसे कि हमने ऑरिजेंटल पहले पढ़ा है ऑग्लोमरेट पहले पढ़ा है वर्टिकल पहले पढ़ा है कब पहले पढ़ा है यूनिट वन में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था ठीक है तो यहाँ पे भी उसका आ, सेम ही मीनिंग रहने वाला है ठीक है बट बत, बताऊंगी कि किस तरह से मर्जर के केस में ये अप्लाई होगा क्लियर है जी सभी को अभी मुझे जल्दी से बताओ कि कॉग्लोमरेट होता क्या है जिन्होंने यूनिट वन की क्लास अटेंड की थी वट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्लोमरेट टल बोलो बोलो प्लीज जल्दी कमेंट करें मुझे एक घंटा लेक्चर दिया था इसमें मैंने जब मैंने आपको एफडीआई करवाया था एक दिन लगाया था पूरा एफडीआई में और वहां पे ये टॉपिक थे टाइप्स ऑफ एफडीआई जब हमने पढ़ा था कोग्लोमरेट वो होता है जब क्या होगा यहाँ पे देखो मर्जर बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर इन्वॉल्व इन टोटली अनरिलेटेड बिजनेस और कल भी मैंने बोला था लाइक like मेरी शूज की कंपनी है और मैं किसके साथ मर्ज कर रही हूँ जिसकी कांच की कंपनी है तो दोनों ये क्या है अलग अलग है ठीक है हॉरिजेंटल हो जाएगा सेम इंडस्ट्री बार्गेन इन अ पीस ऑफ यूनिफॉर्म यूनियन ठीक है मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग की मेरी कंपनी है ठीक है अब मैं किसके साथ मर्ज करूंगी जो टायर बनाता है जो स्टेयरिंग बनाता है ठीक है क्लियर है हॉरिजेंटल मीन सेम इंडस्ट्री मार्केट एक्सटेंशन और इस तरह से मेरी आ जो सेम आइटम्स ठीक है और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में मैं बेचूंगी प्रोडक्ट एक्सटेंशन इंक्लूड आइटम दैट गो वेल टूगेदर ठीक है और वर्टिकल मेजर टू ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स पार्ट ऑफ सेम प्रोडक्ट ठीक है अब सेम प्रोडक्ट के पार्ट होरिजेंटल का एक और एग्जाम्पल ले लो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मर्ज करेगी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही के साथ ठीक है और जो आपका वर्टिकल वाला है या तो ये रॉ जाएगा या फिर ये फिनिश्ड गुड्स की तरफ जाएगा के जो मुझे उसके पार्ट चाहिए जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग को स्टेयरिंग uh, चाहिए टायर चाहिए उस तरह से वर्टिकल मेजर हो जाएगा ओके okay, क्लियर है सभी को देखो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मीन्स सेम लेवल पे और ये होता है हमारा वर्टिकल यहाँ पे रॉ मटेरियल हो सकता है ठीक है और यहाँ पे फिनिश्ड गुड हो सकते हैं ठीक है और सपोज मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है या तो मैं टायर के साथ आ, टायर बनाने वाली कंपनी के साथ क्या कर लूंगी मर्ज कर लूंगी या फिर मैं स्टेरिंग वाले के साथ मर्ज कर लूंगी या फिर जो कार का रॉ मटेरियल होता है उसके साथ मर्ज कर लूंगी या फिर जो कार को आगे सेल करता है उसके साथ मर्ज कर लूंगी ठीक है ये वर्टिकल में हो जाएगा क्लियर है सभी को अब देखो मर्जर मर्जर ऑफ कंपनीज कंपनी इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एटलीस्ट टू डिफरेंट कंपनी आइदर ऑफ लूज इट्स अब क्या होता है कंपनी के विलय में मूल रूप से कम से कम दो अलग अलग कंपनियों के अवशोषण की प्रक्रिया शामिल होती है जिनमें से कोई भी अपना अस्तित्व खो देती है ठीक है अब मान लो मर्जर क्या है ए और बी कंपनी है इसमें से भी कोई ना कोई कंपनी अपना अस्तित्व खो सकती है ठीक है मर्ज होगी आपस में एक्विजिशन एक्विजीशन लूजली रेफर्स टू वन कंपनी एक्वायरिंग और परचेजिंग द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी अब क्या हुआ की ए ने किसका बिजनेस परचेज कर लिया बी कंपनी का और सिर्फ हमारे पास कौन सी कंपनी रही अब ओनली ए ठीक है पर, ये हो जाएगा एक्विजिशन मीन्स को जो ए थी वो किसको खागी बी को खागी इस तरह से हम इसको याद रखेंगे और ये मैंने बता दिया है वैसे भी जनरली द इंटेंशन ऑफ बीइंग द पेरेंट कंपनी फॉर देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट अब मुझे ये बताओ पेरेंट कंपनी कौन होती है जल्दी से मुझे रिप्लाई करो बिकॉज मैंने आपको ये करवा दिया पेरेंट कंपनी कौन होती है

मर्जर केस में को एग्जिस्ट होगा बट जो आपका एक्विजिशन है ना पे पे नहीं होगा यहाँ पे एक का खत्म क्योंकि जो ए है वो सारा का सारा का बी प्रोसेस ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन डिजॉलिंग देयर बिजनेस एंड फॉर्मिंग एन एंटायरली न्यू ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो अगेन or बता रही मर्जर ए एंड बी मर्ज हो गए ये बन गया ए बी आपका ए है ए ने बी को परचेज कर लिया ओनली रहा यहाँ पे ए ठीक है और अमल आपकी मान लो ए और बी कंपनी है ठीक है इन दोनों ने कौन सी कंपनी बना दी सी कंपनी बना दी ठीक है न्यू ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव यट न्यू ऑब्जेक्टिव्स

पानी देना सैनर्जी समझ आ रहा है सभी को यस या नो में तो रिप्लाई कर दिया करो मुझे <laughs> मर्जर एक्विजेशन एंड अमलकमेन और सैनर्जी अब देखो सैनर्जी का मतलब क्या होता है जब ना एक या दो कंपनी आपस में मिलती है ठीक है एक या दो कंपनी या मोर देन टू कंपनी और वो मिलकर ना मतलब कुछ बेस्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं सैनर्जी की मीन्स कि तेरे आने से मुझे पावर मिलगी ठीक है ए क्या बोलेगा कि बी के आने से ना मुझे पावर मिलगी समझ रहे हो सैनर्जी ये आपको मैं एज अ निमोनिक बता रही हूँ कि बी के आने से मुझे क्या मिलगी एनर्जी मिलगी उसको हम क्या बोलेंगे सैनर्जी इस तरह से आप इसको याद रखना और ये सिंगल वन टाइप में भी क्वेश्चन बना है कि वट इज द मीनिंग ऑफ सैनर्जी अब देखेंगे हम सैनर्जी क्या है सैनर्जी इज द कॉन्सेप्ट विच स्टेट दैट द कंबाइंड वैल्यू एंड परफॉर्मेंस ऑफ टू एंटिटीज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी मीन्स की तेरे आने से जब मैं अकेला था ना तो मुझ में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कंपनी बोरी बट कंपनी बी के आने से मुझे क्या मिल बहुत ज़्यादा मुझे पावर परफॉर्मेंस मीन की जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया ठीक है और जो मेरा प्रोडक्ट था उसको सभी जानने पहचानने लगे गुडविल बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी तेरे आने से ठीक है तो सैनर्जी में क्या याद रखोगे आप सिंपली याद रखोगे कि भाई कंपनी ए थी और कंपनी ए बोलती है कि कंपनी बी के आने से ना मुझे एनर्जी मिलगी कैसी एनर्जी मिलगी बहुत ज्यादा एनर्जी मिलगी और उसका नेम क्या पड़ गया सेनर्जी इज इट ओके क्लियर है टू अचीव दैट परफॉर्मेंस एंड आउटकम कंपनीज अंडर गो द डिस एक्शन ऑफ सच पैलर वर्किंग सेनर्जी वह अवधारणा है जो बताती है कि दो संस्थाओं का संयुक्त मूल्य और प्रदर्शन व्यक्तिगत संस्थाओं की तुलना में अधिक है मीन्स की जब एक से भले दो ऐसा बोला जाता है ना उस प्रदर्शन और परिणाम को प्राप्त करने के लिए कंपनियां इस तरह के समांतर कामकाज की निर्णायक कार्रवाई से गुजरती है ओके इंपॉर्टेंट प्लीज याद रखना ये बार बार रिपीट हुआ एग्जाम में कॉमर्स में भी क्वेश्चन रह हो रहा है एक्विजिशन हो रहा है इन सारी की सारी चीजों से ऑल्सो एन एंटीटीट पोटेंशियल कॉम्पिटिशन ऑफ द फ्यूचर अब देखो ग्रोथ ग्रोथ भी होगी अब मान लो ए और बी कंपनी थी आपस में ये गई ये गई ए और बी तो ग्रोथ तो होगी ऑब्वियसली ठीक है मारुति और सुजुकी आपस में मिलगी तो ग्रोथ तो होगी क्योंकि अपने प्रॉफिट शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ लॉस शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ मान लो बी गिर जाता है तो इसको उठाने वाला तो होगा ना ठीक है तो ग्रोथ तो होगी और अमल कमिशन में भी क्या होगा कि एक न्यू एंटिटी बन गई अब ए और बी ने अपने मान लो एसेट्स सब कुछ बेच दिया तो पैसा डबल हो गया ए ने भी अपने एसेट्स बेचे बी ने भी अपने एसेट्स बेचे तो पैसा क्या होगा डबल होगा ऑब्वियसली और इन्होंने एक सी न्यू एंटिटी ओपन कर ली तो मतलब बड़े जोरों शोरों तरीके से इन्होंने न्यू कंपनी ओपन की है ठीक है और एक्विजिशन का क्या मतलब होगा मान लो कि जो बी थी वो बहुत ही ज्यादा बिचारी कमजोर थी लाइक नोकिया ठीक है अब क्या हुआ कि ए ने बी का सारा का सारा बिजनेस खरीद लिया थोड़ा बहुत तो बी के पास कुछ ना कुछ तो होगा तो ए का मान ए के पास अगर नाइनटी परसेंट था बी के पास टेन परसेंट था तो टेन परसेंट भी अगर ए ने परचेज कर लिया बी का तो ये हंड्रेड परसेंट हो गया अपने आप में ठीक है तो ग्रोथ हुई कि नहीं हुई यस या नो अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा का उन, उन्मूलन अब क्या होगा कि कंपटीशन में तो खत्म होगा मान लो कि जब मर्जर होता है एक्विजिशन होता है या फिर अमलगमेशन होता है ए और बी कंपनी मान लो जो जो मारुति थी ठीक है और मारुति जो थी वो के सुजुकी ठीक है उसके कंपटीशन में देखिए मुझे सुजुकी से अच्छी कार बनानी है ठीक है

through such activities or uh, through such activities an organization can expand its value market share market penetration without significant efforts uh, thus uh, catapulting uh, their growth ठीक है अब जो ये मार्केट पेनेट्रेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हम मार्केट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना जो आपकी यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे मार्केट पेनेट्रेशन क्या होती है पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट है ये भी ठीक है उसमें बताऊंगी आपको कि पेनिट्रेशन होती क्या है अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ग्रोथ बनगी पेनीट्रेशन का मतलब होता है कि हाई प्राइस ठीक है इस तरह से होता है कुछ हाई प्राइस रखना ऐसा कुछ होता है और ये हम मार्केटिंग में ग्रोथ okay? होगी अब इंक्रीज द ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो वो भी बड़ा बढ़ जाएगा ठीक है दायरा बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का संगठन का दायरा बढ़ाना जब दोनों आपस में मिल गए ठीक है तो ऑब्वियसली इनका तो दायरा बढ़ जाएगा एक से भले तो द

टॉकिंग अबाउट अ को रिलेटिव रिलेशनशिप को रिलेटिव होता है मिलजुल कर चलना ठीक है अक्वायरिंग अ बिज़नेस नॉट ओनली हेल्प द टारगेट कंपनी टू सर्वाइव बट ऑल्सो हेल्प द एक्वायरिंग कंपनी टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेस और एक्सपेंड द प्रोसेस ऑफ देयर एक्सिस्टिंग बिजनेस ठीक है एक सह संबंधित संबंध समन्ध के बारे में बात करते हुए अगर आपको देखो मर्जर क्लियर है एक्विजिशन क्लियर है और अमलकमेशन क्लियर है तो मुझे नहीं लगता ये कोई ज्यादा टफ से टॉपिक है पढ़ लेना इनको एक बार खुद से भी ठीक है

Uh, of uh, other entity and both the entity might co-exist. और ये दोनों क्या हो गया कि आपस में इन्होंने A ने B को purchase कर लिया, okay? Amalgamation at least two company are involved after the consolidation of which and a new entity A, B और ये क्या बनगी C, ठीक है? Uh, इतना clear है सभी को merger, acquisition and amalgamation ये बार-बार बता रही हूँ, ठीक है?

लॉस हो रहे थे इन्हें सोचा कि चल यार ये कंपनी लॉस पे लॉस झेल रही क्यों ना मैं इस कंपनी को खरीद लूँ ठीक है अब जब इस कंपनी को ये खरीदेगा परचेज करेगा तो इसके पास भी तो एसेट्स होंगे कुछ ना कुछ तो होगा ही ना इसके पास मान लो इसके पास टेन परसेंट होगा अब ए का नाइनटी परसेंट था बी का टेन परसेंट था अब जब ए ने बी को परचेज किया तो टेन परसेंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में हंड्रेड परसेंट हो जाएगी तो ए क्या हो जाएगा बिगर हो जाएगा बिगर इन साइज वेन इट कम्स टू द टर्म ऑफ वैल्यूएशन इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी गुडविल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी परचेज द कंपनी वर्थ लेस वैल्यूएशन थीके? और जो कंपनी इसने परचेज की थी इसकी तो ऑब्वियसली इसकी लेस वैल्यू थी तभी तो इसने इसको परचेज किया था कि चल यार खत्म होने से बढ़िया है है ना इसको कोई रौंद के चला जाए इसका कोई नाश कर दे उससे बढ़िया है कि मैं ही इसको खरीद लेता हूं ठीक है इस तरह से आप याद रखना मीन्स प्रैक्टिकल सी लैंग्वेज में ठीक है अपनी लैंग्वेज में जिस तरह से भी आपको लगता है निमोनी के लिए अब अमल क्या था आपका आप कंपनी सेम अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और बी कंपनी थी ठीक है इन दोनों के साइज तो सेम सेम थे इन्होंने सोचा कि चल मान लो मान लो फिफ्टी परसेंट ए का प्रॉफिट हो रहा है फिफ्टी परसेंट बी का प्रॉफिट हो रहा है इन्होंने बोला क्यों ना हम दोनों अपने अपने प्रॉफिट अपने एसेट्स को बेच करके ठीक है और क्यों ना हम अपने प्रॉफिट से जितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर ले लाइक आपकी सी ठीक है देख लो एक बार हिंदी में आमतौर पर इसमें शामिल कंपनियां एक ही आकार और मूल्यों की होती हैं ठीक है थीके? एक ही आकार की और एक ही मूल्यों की होती है जैसे कि मर्चेंट में मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था कार का कौन सी कार एक थी मारुति एक थी सुजुकी ठीक है और अधिग्रहण क्या होगा आपका एक्विजिशन जब मूल्यांकन की बात आती है तो अक्सर आकार में बड़ी कंपनियां कम मूल्य वाली कंपनियों का अधिग्रहण या खरीद लेती है एक्विजिशन में क्या हुआ कि जो मान लो ए बहुत बड़ी कंपनी है और बी छोटी सी कंपनी है ठीक है और बी की जो वैल्यू है वो बहुत कम है ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ए ने सोचा कि चलो क्यों ना अब मैं अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करूं उसने बी को परचेज कर लिया समामेलन में क्या होता है समामेलित कंपनियों का आकार काफी हद तक समान होता है ये एक जैसी होती है मान लो ए और बी जो है वो एक जैसी कंपनी है ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बोलती है क्या डिसीजन लेती है कि क्यों ना हम एक नई कंपनी खोले सी हम दोनों अपने प्रॉफिट को लगाते हैं किस पे हम एक न्यू एंटिटी ओपन करने वाले हैं क्लियर है सभी को किसी का कोई भी डाउट है इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस में साइज ऑफ कंपनीज ओके okay, जी क्लियर है सभी को कोई कंफ्यूजन जल्दी से जल्दी बताओ मुझे प्लीज साढ़े पांच हो चुके हैं uh, और है आपका इम्पैक्ट ऑफ ऑन शेयर मर्जर द शेयर ऑफ द ऑब्जॉर्व कंपनी इज ट्रांसफर्ड हैंडेड ओवर टू द शेयर होल्डर ऑफ द दर्विंग ऑब्जर्व एक्सिशन बाइंगी परसेंट ऑफ शेयर ठीक 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 है थीक है थीक है शेयर ऑफ इंडिविजल एक्सट्रीम गिवन टू द ये बाकी पढ़ लेंगे अभी हम कॉन्सोलिडेशन uh, ये भी देख लेंगे ठीक है ये मेरे पास पूरी वो है इमेज के थ्रू समझाऊंगी ये सारा का सारा बाकी इसको देख लेना इनोवेटिव वर्क ये भी देख लेना कंट्रोल ओवर मोनोबली ठीक है अब जो मर्जर है एक्विजिशन है और आपका अमलगेशन है मोनोबली में तो कंट्रोल होगा मोनोबली का क्या मतलब होता है एक ही सिर्फ मैं ही और मोनोबली में सबसे ज्यादा क्या होता है कि मैं ही हूं मेरे अलावा कोई भी नहीं है बट मर्जर और एक्विजिशन किया ही क्यों जाता है कि हमें एक दूसरे को बढ़ाना है क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन ठीक है मोनो मोनो का मतलब ये है कि सिर्फ मैं ही हूं तो इस पे कंट्रोल करता है आपका मर्जर एक्विजिशन और आपका अम इंपॉर्टेंट ही एग्जाम में पूछा जाता है क्लियर है मैम ओके क्लियर है और क्या है डुप्लीकेशन प्रोटेक्शन और यहाँ पे प्रोटेक्शन भी होती है लाइक ए ने किसको प्रोटेक्ट कर लिया बी को बी बेचारी खत्म होने वाली थी ने सोचा कि चल यार खत्म होने से बढ़िया मैं तुझे परचेज ही कर लेता हूँ ठीक है और ए और बी इनका भी बेचारों को ऐसे ही चल रहा था थोड़ा काम धंधा ठीक है इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम ए भी बन जाए मिलजुल काम करें और अमल में और भी थी सेम सेम कंपनियां थी सेम सेम प्रॉफिट आ रहा था उन्होंने तो सोचा कि उन्होंने ओपन कर ले सी को ओपन कर ले ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डुप्लीकेशन प्रोटेक्शन मीन्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना ठीक है ओके कंट्रोल ओवर मोनो डिसएडवांटेजेस क्या है मर्जर एक्विजिशन एंड अमलगमेशन की प्राइस फ्लक्चुएशन if there is a monopoly in a sector due to parallel working processes such organization can create a fluctuating price bands and therefore manipulate the price of their product ab yahan pe kya ho jayega price fluctuation ho jayegi suppose maan lo jo maruti ke price the theek hai wo the maan lo 3 lakh और जो Suzuki के price थे वो थे मान लो lakh. लैख अब जब इन्होंने आपस में मर्ज किया है ना तो इनको same सेम, सेम जाना पड़ेगा मान लो कितना ही बढ़ा लेगा मारुति पचास हजार बढ़ा लेगा या फोर लैक ही कर देगा इस तरह से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं सुजुकी को तो थोड़ा सा नुकसान होगा क्योंकि इनको तो सेम सेम प्राइस रखने पड़ेंगे अब ये दोनों आपस में मिल गई है तो प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगा यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएंगे प्राइस ठीक है लेस चॉइसिस फॉर कंज्यूमर अ मर्जर कैन प्रमोट लेस चॉइसिस फॉर कंज्यूमर उपभोक्ताओं के लिए कम विकल्प एक वि, एक उपभोक्ता अब उपभोक्ताओं के लिए क्यों कम वि, विकल्प हो जाएंगे यहाँ पे क्योंकि मान लो कि लोगों की पसंदी की चल मुझे मारुति खरीदनी है ठीक है और केय की पसंद मुझे सुजुकी सुजु परचेज करनी है अब क्या हुआ दोनों आपस में मिल गई है तो अब क्या हो गया कि कंपटीशन खत्म हो गया ओके अब मान लो कि ये टूट पेस्ट कॉलगेट ये सारे के सारे अगर आपस में मिल जाए लक्स लाइफ बॉय सारे के सारे आपस में मिल जाए तो आप किसको परचेज करोगे फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस चॉइस रह जाएगी ना कंज्यूमर के पास अब मान लो आपके पास दस चॉइस है ठीक है आपके पास मैं दस चीजें आपके सामने रख दूं कि ये या आपके पास ऑप्शन आप परचेज कर सकते हो तो आप आपको बेस्ट लगेगा दो ही ऑप्शन रख दूं या तो ए या बी आप चूज करो आप बोलोगे कि क्या यार कुछ तो ऑप्शन दो ताकि हम और भी चूज कर पाए चीजों को तो लेस चॉइसेस फॉर कंज्यूमर के पास क्या हो जाएगा जब मर्जर होगा जब एक्सेशन होगा जब अमलगमेशन होगा तो कंज्यूमर के पास कम चॉइसेस रहेगी कि मैं कुछ तो चूज करूं कम से कम मान लो कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो आ, मुझे मैं अपनी बात बताऊं जब भी मैं मार्केट में जाती हूं मुझे ऐसी शॉप्स में जाना पसंद है कि जहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हो जो, क्लोथ की यानी कि सिर्फ तीन चार सूट दिखा दिए और हो गया जी कम से कम पंद्रह बीस तो सूट दिखाओ वहां से हम अच्छे से चूज कर पाएंगे ठीक है अब समझ जाओ कुछ लेस चॉइसेस फॉर कंज्यूमर अगर सारी आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं बचेगी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर ठीक है होंडाई हीरो होंडा ये सारी आपस में मिल गए तो हमारे पास क्या चॉइस रह जाएगी फिर गाड़ियों की तीन चार गाड़ियों की बीएमडब्ल्यू मर्सडीज ये सारी आपस में मिल जाएंगे तो चॉइस ही खत्म हो जाएगी कम कम हो जाएगी चॉइस ठीक है क्लियर है मर्जर एक्विजिशन एंड अमलगमेशन ठीक है कंक्लूजन तो क्या ही पढ़ना है इसका देख लेना आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है टेक चले अब नेक्स्ट चले क्लियर है सभी को मर्जर एक्विजिशन एंड अमलगमेशन बाकी पीपीटी मैंने दे दी आपको तो पढ़ लिया करना क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है और मुझे टेन की टेन यूनिट्स आपको कंप्लीट करवानी है जो चीजें इजी इजी होती है ना उसकी मैं आपको पीपीटी दे देती हूँ ठीक है अब देखो टेक ओवर क्या है टेक ओवर मीन्स अ कंपनी टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ अनदर कंपनी इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्विजिशन का एक पार्ट है ये ऑफ अ कंपनी रादर देन अ मर्जर मीन टेक ओवर कर लेना a ने किसको टेक ओवर कर लिया बी को ठीक है ए किसके ऊपर हावी पड़ गया बी के ऊपर अब टेक ओवर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंडली हो सकता है इसके टाइप्स है ठीक है फ्रेंडली कि मैंने बी को बोला कि चल यार मैं तेरा दोस्त हूँ मैं तेरी मदद कर देता हूँ ठीक है इतने लॉस में तो चल रहा है क्यों ही? इतने लॉस में चल रहा है अपना बिजनेस तू मुझे बेच दे इसका कुछ और काम कर ले बी ने सोचा कि हाँ यार सही बात है तू मुझे इसके पैसे दे दे जो मेरा बिजनेस में जितना जितना भी पैसा लगा है ठीक है मैं कोई और बिजनेस ओपन कर लेता हूँ जहां से मुझे प्रॉफिट आने वाला है ये हो गया फ्रेंडली फिर बताती हूँ अभी सुन लो ठीक है हॉस्टाइल का क्या मतलब हो गया जबरदस्ती ए ने बोला कि तू तो है ही लॉस में चल तू अपना बिजनेस मुझे दे बस जबरदस्ती हॉस्टाइल ठीक है जबरदस्ती लेना किसी का बिजनेस रिवर्स क्या हो गया हेयर अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी रिवर्स का मतलब हो गया कि जो प्राइवेट कंपनी थी और जो अनलिस्टेड थी उसने लिस्टेड पब्लिक कंपनी को परचेज कर लिया है रिवर्स टेक ओवर ठीक है और बैक फ्लिप क्या हो गया हेयर अ बाइंडिंग कंपनी बिकम द सब्सिडरी ऑफ टेकन ओवर कंपनी अब जो बाइंडिंग कंपनी थी या जो पेरेंट कंपनी थी ठीक है वो ही सब्सिडरी बन गई है किसकी सब्सिडरी ऑफ टेकन ओवर कंपनी ठीक है मान लो बी थी ठीक है और बी की बन गई सब्सिडरी कंपनी कौन ए पेरेंट कंपनी है तो ये कैसा हो गया बैक फ्लिप हो गया ये तो उल्टा ही हो गया जी ठीक है अब देखो फ्रेंडली कंपनी इज ड्यूली इंफॉर्म्ड बिफोर द बाइंडिंग कंपनी पुट्स अप एन ऑफर नॉर्मली द प्राइवेट कंपनी टेक ओवर आर फ्रेंडली एज देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन द ठीक है वैसे मैंने बता दिया आपको हॉस्टाइल जबरदस्ती मैनेजमेंट इज नॉट कंसल्टेड एंड डायरेक्ट ऑफर इज गिवन टू शेयर होल्डर विदाउट द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट को पता ही नहीं है कि हाँ भाई तो मुझे परचेज करना चाहते हो कुछ भी नहीं और बिना किसी कंसल्ट के सीधा ही उनको शेयर होल्डर्स ने क्या कर दिया सीधा ही उनको लेटर भेजे और मुझे तेरा बिजनेस परचेज करना है बस बात खत्म देयर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टेक ओवर टेकअप ठीक है टेकन अप ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंडली हॉस्टाइल रिवर्स और बैक फ्लिप इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लीज याद कर लेना इसको क्लियर है सभी को जल्दी से मुझे बताओ चले फिर नेक्स्ट ओके मर्जर ये देख लेना कंसोलिडेशन जब दो तीन लोग आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं मजबूत बन जाते उसको क्या बोलते हैं अमलगमेशन ठीक है ये देख लेना हाउ टू डू इट इसके uh, 1998 स्टारवुड होटल्स ऑब्जर्व आई आई टी को ऑनर ऑफ हाँ ओके ओके ठीक है इसको देख लेना एक बार ठीक है अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल्स आपको मर्जर एंड एंडलगमेशन क्या एट लीस्ट टू एंड ट्वेंटी इन्वॉल्व टू एग्जिस्ट ठीक है ये देख लेना इज़ी है बाकी सारा तो बता ही दिया आपको अब हम चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवेंचर्स पहले मुझे ये बताओ कि जितना मैंने अभी तक बताया मर्जर एक्विजिशन एंड का क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इसके एडवांटेजेस भी कर लो, कर लोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप इसके डिसएडवांटेजेस भी कर लोगे ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप इसके डिफरेंसेस भी कर लोगे क्लियर है और आज हमारा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला टॉपिक में भी फिनिश हो ही जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास है थर्टी मिनट मिनट है है अभी हमारे पास क्लियर प्लीज यस या नो चले फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका शेयर्स के बाद अब हम, हम पढ़ेंगे डिबेंचर और साथ के साथ डिबेंचर्स के टाइप देखेंगे और साथ के साथ हम डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर देखेंगे यस मैम ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है ना ओके गुड चलिए डिबेंचर्स ठीक है डिबेंचर अगर मैं बोलू आपको ये एक तरह का क्या है लोन है किसके लिए कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए कंपनी के अब जो हमारा शेयर्स था वो भी तो कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए था जब हम शेयर्स को इशू करते थे क्यों इशू करते थे कैपिटल के लिए कि जब हम शेयर्स को इशू करेंगे कंपनी के पास क्या आएगा पैसा आएगा ऑथोराइज कैपिटल ठीक है पर क्या होती थी जब हम शेयर को इशू करते थे उसकी कुछ लिमिटेशन होती थी कि, कि इतने ही शेयर हम इशू कर सकते हैं इससे ज्यादा नहीं कर सकते अमानो कंपनी को मोर मनी की जरूरत है तो अब वो क्या करे अब वो क्या करेगी डिपेंचर्स परचेज करेगी क्या करेगी डिपेंचर्स परचेज करेगी जो शेयर्स को परचेज करता था उसको क्या बोला जाता था शेयर होल्डर जो डिबेंचर को परचेज करता उसको क्या बोला जाता है डिबेंचर होल्डर बट इसमें एक फर्क है कि ये एज अ क्या है लोन है जो हम कंपनी से लेंगे ठीक है लोन है लैटिन वर्ड डिबेर टू बोरो लेना ठीक है बोरो का बोरो का क्या मतलब होता है उधार लेना लेनाट है ये ये एक इंस्ट्रूमेंट है एग्जाम में पूछा जाता है ये इंपॉर्टेंट है प्लीज याद रखना डेप्ट है ये इंस्ट्रूमेंट है ये मीन्स उधार लेना या उधार देना है ठीक है अ डिबेंचर इज अ अटर्न टूल एक्सेप्टिंग अ अ डेट अंडर जर्नल ऑथेंटिकेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस क्या है ये डेट उधार लिया कंपनी ने क्या किया उधार लिया डिवेंचर होल्डर इट कम इट कम ऑफ एन एग्रीमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर और देखो शेयर के में क्या मिलता है डिविडेंड बट डिवेंचर के केस में क्या होता है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है क्या इंटरेस्ट ये सारे के सारे ना एग्जाम में पूछी गई चीजें आपको पता है जब जहां पे आप लोन लोगे वहां पे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ठीक है इतना क्लियर है सभी को रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड और एट अ इंटरमिशन और एट अ ऑप्शन एंटरप्राइजेस एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट ड्यू टू यूजली आईदर ईयरली और हाफ ईयरलीन अ फिक्स डेट ठीक है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिवेंचर क्या है एक तरह का लोन है ठीक है और ये क्यों लिया जाता है कंपनी की कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए मीन्स जब कंपनी को मोर मनी चाहिए तो इज इट क्लियर डिबेंचर शब्द लेटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ उधार लेना है क्या है उधार लेना डिबेंचर उदम के के सामान्य तहत ऋण स्वीकार करने वाला एक लिखित उपकरण है रिटर्न ठीक है रिटर्न टूल है ये और इंस्ट्रूमेंट है ये डेट है ये लोन है ये ठीक है दो तीन चीजें याद रखोगे अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी एक होता है हमारा स्क्योर्ड डिबेंचर और एक होता है हमारा अनसिक्योर्ड डिबेंचर ये प्लीज नेम याद रख लेना एग्जाम में पूछा जा सकता है स्क्योर डिवेंचर को मोटकेज भी बोला जाता है ठीक है मोटकेज डिवेंचर ओके जी क्लियर है यस नो में बता दिया करो मुझे यस या ये नो में बोल दिया करो मुझे यार कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है ना देकर अगर आपको मोट गेज पूछा गया तो आप क्या बोलोगे कि यस यस क्योर्ड है ठीक है सिक्योर डिवेंचर की बात हो रही है ध्यान देना प्लीज मेरी बात पे सिक्योर डिवेंचर वो डिवेंचर होता है कि मान लो आपने किसी से डिवेंचर परचेज किया ठीक है और इन केस जो कंपनी है ना वो डिफॉल्ट हो जाती है तो क्या जो आपने किसी से डिवेंचर से लिया होगा वो आपको वापस देगी या फिर आपने किसी को डिवेंचर दिया होगा तो वो क्या फिर वापिस देगी उनको वापिस देना ही पड़ेगा ठीक है आपका पैसा उनको वापिस देना ही पड़ेगा अपने चाहे उनको एसेट्स बेचने पड़े ठीक है अब देखो स्क्योर डिबेंचर और दैट काइंड ऑफ डिवेंचर वेर चार्ज इज बीइंग एस्टेब्लिश ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज ओके स्क्योर्ड है स्क्योर्ड का क्या मतलब है ये सुरक्षित है चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़े लाइक अपने एसेट्स बेचना पड़े पर आपका पैसा डूबने नहीं देगा ये सिक्योर डिबेंचर कौन सा डिबेंचर हो जाएगा कि पैसा नहीं डूबेगा पैसा नहीं डूबेगा फिर चाहे एसेट्स को ही क्यों ना बेचना पड़े अपनी प्रॉपर्टी को ही क्यों ना बेचना पड़े ठीक है एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ एनी पेमेंट द चार्ज माइट बी आइदर फ्लोटिंग और फिक्सड ये फिक्सड भी हो सकता है और ये चेंज भी हो सकता है ठीक है द फिक्स एस्टेब्लिश अगेंस्ट एसेट्स कम अंडर द एंटरप्राइज दोन फॉर द पर्पज ऑफ इन ठीक है बस इतना चार्जेस पर्टिकुलर एसेट वेयर द फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द जनरल एसेट्स ठीक है सुरक्षित डिवेंचर नेम से क्लियर है अब सुरक्षित डिवेंचर ये क्यों है कि अगर मान लो कि आपने किसी के डिवेंचर परचेज किए हैं ठीक है और मान लो वो जो कंपनी है वो डिफॉल्ट हो जाती है ठीक है तो क्या जो आपका पैसा था वो सारा डूब जाएगा नहीं डूबेगा उस कंपनी को चाहे अपने एसेट्स बेचने पड़े पर उसको आपका पैसा देना पड़ेगा ठीक है और अगर हम अनसिक्योर्ड की बात करें इसका अनदर नेम क्या है नेक्ड नेक्ट, नेक्ट डिवेंचर भी इसको बोला जाता है यस yes, नेक्ट डिवेंचर ठीक है अनसिक्योर्ड डिवेंचर दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर चार्ज ऑन द एसे एंटरप्राइज अब यहाँ पे क्या होगा की अगर कंपनी डिफॉल्ट कर भी जाती है ना तो जो आपका पैसा था वो आपको वापिस नहीं मिलने वाला इनकेस ऑफ बस अगर मान लो कंपनी लिक्विडेशन हो जाती है कंपनी की तो कहीं जाकर हाँ आपका पैसा आपको वापिस मिल जाता है ठीक है तब कहीं जाकर वो बी मे बी बट दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज

Most of the cases में unsecured debenture कौन ही लेगा फिर आपका रिडीमेबल आपका e डिबेंचर्स क्या होता है कि मान लो अगर आपने किसी के डिबेंचर्स परचेज करे है ना तो ये रिडीम्स हो सकते हैं तीन या चार साल बाद जो आपको आपका पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा मीन रिडीम ठीक है रिडीम्ड हो जाएगा इसका मीनिंग बट ई रिडीमेबल डिबेंचर्स आपके वो डिबेंचर्स है कि अगर आपने डिबेंचर्स परचेज किए हैं बट आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलने का ठीक है अब देखो दीज डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स दैट आर ड्यू ऑन द

Okay, as the company does not give any attempt for the repayment of money acquired or borrowed by circulating such debentures, these debentures are repayable on the closing up of an enterprise or in the expiry. रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड आपका ई रिडीमेबल डिबेंचर्स ठीक है यहाँ पर जो है वो आपको पैसा तीन या चार साल बाद आपका वापस मिल जाएगा बट ई रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होंगे जहां पे पैसा वापस नहीं मिलेगा मीनसे कॉन्टिन्यूस चलते रहेंगे आपके डिबेंचर्स ठीक है कॉन्टिन्यूस चलते रहेंगे परपेक्चुअल भी इसको बोला जाता है तो प्लीज याद रखना ये शब्द पर नेक्स्ट है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स सिंपल है ये भी जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स पढ़ा था ना उसी तरह के लग रहे हैं हाँ जी पढ़े थे हमने टाइप्स ऑफ प्रिफरेंट शेयर के कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो डिबेंचर जब डिवेंचर्स को इक्विटी में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है बट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स हो जाएंगे जिनको शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता नहीं किया जा सकता ओके जी क्लियर है डिबेंचर्स जिनको शेयर में कन्वर्ट किया जाता है और नॉन कन्वर्टे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जिनको शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता ओके okay जी क्लियर है सभी को इतना किसी का को कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाएंगे जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था बस उसी तरह का है अब आता है हमारा फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू कूपन क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट वाला हमारा हो गया और ठीक है और कौन सा था हमारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी हो गया ठीक है अनस्क्योर्ड और और टेन वाला रिडीम्ड और इ रिडीम्ड हो गया और कन्वर्टेबल वाला कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गए और कूपन कूपन रेट क्या होगा इंटरेस्ट रेट ठीक है कूपन रेट क्या होगा आपका इंटरेस्ट रेट स्पेसिफिक कूपन रेट आपके वो डिवेंचर हो जाएंगे सच डिबेंचर आर सर्कुलेटेड विद मेंशनड रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे आपको स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा या फिर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा या फिर फ्लोटिंग होगा ठीक है कि इतना तो इंटरेस्ट होगा ही होगा ठीक है एंड इज नोन एज द कूपन रेट हम इसको बोलेंगे किसको इंटरेस्ट रेट याद रखना प्लीज क्या बोलेंगे इसको कूपन रेट बोलेंगे जीरो कूपन रेट डिबेंचर वो डिबेंचर्स हो जाएंगे जहां पे इंटरेस्ट जीरो होगा क्या कैसा होगा इंटरेस्ट यहाँ पे जीरो होगा बट इसको रिडीम्ड किस पे कर सकते हैं एट पार पर अब देखो अब बोलोगे कि यार जब भी कोई कंपनी डिपेंचर देगी वो जीरो इंटरेस्ट पे क्यों देगी कंपनी ने भी तो कुछ कम आना होगा वो क्यों बोलेगी जीरो इंटरेस्ट पे मीन्स अगर हम मैं बात करूं जीरो कूपन रेट यहाँ पे हैवी डिस्काउंट दिया जाएगा आ, लिखा होगा दिस डिबेंचर डोंट नॉर्मली कैरी ऑन अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है ये कोई भी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं फॉलो करे, करेगा करेगा इन ऑर्डर टू रिस्टोर द इन्वेस्टर सच टाइप ऑफ डिवेंचर आर सर्कुलेटेड एट ऑफ कॉन्सिटेबल डिस्काउंट ठीक है हैवी डिस्काउंट देने वाला है यहाँ पे ये एंड द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू ठीक है अब क्या होगा कि मान लो कि फेस वैल्यू जो थी ना डिबेंचर्स की वो हंड्रेड परसेंट थी अब इन्होंने हैवी डिस्काउंट दे दिया सपोज इन्होंने सिक्सटी का दे दिया डिबेंचर्स ठीक है सिक्सटी का दे दिया और जब इसको रिडीम्ड करेगी वो एट पार पे करेगी मीनस हंड्रेड पे ही रिडीम्ड करेगी ठीक है जीरो इंटरेस्ट ओके अब है हमारा रजिस्टर्ड डिवेंचर और बी आर डिवेंचर ध्यान देना प्लीज ये भी ये जितने भी हम टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे हैं ना ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ओके okay जी सभी को समझ आ रहा है प्लीज बता दो मुझे यस नो थम्स अप कुछ तो बोलो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रही हूँ क्योंकि पढ़ाना पड़ेगा स्पीड में काफी टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं एक, एक यूनिट में कम से कम हजार हजार पांच पांच सौ टॉपिक रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली अब देखो रजिस्टर्ड डिबेंचर नेम से ही अगर देखो मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसी में आंसर छिपा है रजिस्टर मीन्स कि जिसका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया होगा मान लो मैंने डिबेंचर परचेज किए हैं ठीक है मेरा प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया है मेरा नेम मेरी सारी की सारी डिटेल तो ये क्या हो जाएगा हमारा रजिस्टर्ड डिवेंचर हो जाएगा पर जो बीआर डिवेंचर है वो कौन सा डिवेंचर हो जाएगा कि मान लो प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है प्रॉपर रजिस्टर जो है वो मेंटेन नहीं किया है बियर में ओके और जिस भी पर्सन को मान लो डिवेंचर्स दिए ना वो एक तरह से कहीं ना कहीं ऑनर है और उसका मान लो सब कुछ पता है तो उसको क्या है पे टू पर्सन प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड हाँ और मान लो कि उसके पास सर्टिफिकेट है सब कुछ है उसके पास तो फिर उसके रजिस्टर मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है तो एक तरह से ऑनर है तो पता है कि भाई इसको इतना इंटरेस्ट है तो देना ही देना पड़ेगा तो वो जाएगा बी डिबेंचर्स अब देखते हैं एक बार क्या है रजिस्टर्ड डिवेंचर दीज डिचर आर सच डिवेंचर विद कंप्राइज़िंग एड्रेस नेम एंड पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग रजिस्टर किया प्रॉपर वे में सच डिवेंचर कैन बी नॉर्मल ट्रांसफर डीड ठीक है और बी एर डिवेंचर दीज आर डिचर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड दिन नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है रजिस्टर में रिकॉर्ड क्या करेंगे मेंटेन करके रखेंगे बियर में कोई रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखेंगे क्यों ऑफ द डिपेंजे होल्डर इंटरेस्ट ऑन इज टू अ पर्सन पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन अटैच टू सच एक तरह से ये ओनर है ठीक है और इसका पूरा सर्टिफिकेट बना हुआ है कि हाँ इस बंदे ने ये ये डिवेंचर लिया और इतना इसको इंटरेस्ट देना है तो इसलिए इसका रजिस्टर मेंटेन करने की क्या जरूरत है फिर ओके okay. इसके पास पूरा सर्टिफिकेट है ऑलरेडी हाँ इसने डिवेंचर परचेज किया है क्लियर है जी सभी को यस या नो तो ये थे जी हमारे डिवेंचर्स के टाइप सबको क्लियर है जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस पढ़ा था उसी तरह से हमने आपका टाइप्स ऑफ डिवेंचर भी पढ़ लिया सिक्योर्ड मतलब जो सिक्योर डिवेंचर है ठीक है अगर मान लो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है फिर कंपनी को एसेट्स बेचने पड़ेंगे बट आपका पैसा डूबने ना देगा ठीक है अनसिक्योर्ड मीन पैसा डूब सकता है रिडीमेबल जो आपके डिबेंचर्स है वो तीन चार साल बाद पैसों में कन्वर्ट हो सकते हैं रिडीम्ड हो सकते हैं सकतेबल वो पैसों में रिडीम्ड नहीं हो सकते ये कॉन्टिन्यूस चलने वाले डिबेंचर है ठीक है परफेक्चुअल जिसको बोला जाता है और सिक्योर्ड uh, को और क्या नेम है मॉट और अनसिक्योर्ड का और क्या नेम है नेक्ट और रिडीमेबल का नेम है कुछ एक्स्ट्रा वेट अ मिनट नहीं रिडिमेबल का नेम नहीं है बट इ रिडिमेबल का क्या नेक्चुअल डिवेंचर मीन कॉन्टिन्यूस चलने वाले डिवेंचर ओके okay? और कन्वर्टेबल डिवेंचर जिनको शेयर में कन्वर्ट किया जाता है किया जा सकता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जिनको शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता स्पेसिफिक यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिवेंचर का वो फिक्स होता है स्पेसिफिक होता है और जीरो कूपन रेट डिवेंचर मीन्स यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिवेंचर का वो स्पेसिफिक नहीं है वो जीरो है

अब डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर देखो जो हम शेयर्स इशू करते हैं ये भी क्यों करते हैं इंक्रीज टू तो कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंपनी की कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए और डिवेंचर भी, भी क्यों लेते हैं लोन भी क्यों लेते हैं हम कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्योंकि आपको पता है जो हमारी फर्म है ना उसको लोन की जरूरत भी है लोन क्या है डेट है उधार है ना बिना लोन के आपको पता है कोई भी बिजनेस नहीं चलता शेयर्स की भी जरूरत है ठीक है शेयर जब इशू करेंगे तो क्या होगा कंपनी को पैसा आएगा बट जो आपके शेयर्स है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और डिबेंचर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ओके डिबेंचर्स इंक्लूड लोन्स टेकन आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट और कंपनीज और शेयर्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट टू रेज द मनी फॉर अ कंपनी कैसे रेज करेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल मीन शेयर को इश्यू करके और जो आपका डिबेंचर्स है ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है और जो शॉर्ट टर्म और जो आपके शेयर्स है वो कैसे आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है मीन्स शेयर होल्डर्स बोला जाता है जो शेयर को परचेज करते हैं ठीक है और ये कौन हो जाते हैं डिवेंचर होल्डर मीन्स एक तरह से ये क्या हो जाते हैं आपके ले वो क्रेडिटर ठीक है क्रेडिटर है ये क्या है उधार लिया है इन्होंने तो उनको पैसा वापस देना पड़ेगा डिबेंचर स्क्योर्ड ठीक है स्क्योर्ड होते हैं डिबेंचर कि अगर मान लो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है कुछ भी पैसा डूबेगा नहीं बट शेयर्स क्या होते हैं कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड हो जाते हैं और जो डिबेंचर्स है ये लेस रिस्क के होते हैं और शेयर्स आपको पता है कंपेरेटिवली रिस्कर होते हैं क्यों क्योंकि ये जो शेयर्स को परचेज करेगा ना वो ऑनर होता है ठीक है इक्विटी वो क्या हो जाता है ऑनर हो जाता है इसके पास वोटिंग राइट right है सब कुछ है पर डिपेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट right नहीं है और जो डिबेंचर्स है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है यहाँ पे ठीक है जो लोन लिया है तो भाई उस पर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा बट जो शेयर्स होते हैं उनको क्या जो शेयर होल्डर्स है उनको क्या मिलता है डिविडेंड मिलता है शेयर प्राइस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड अब देखो जो इक्विटी शेयर है आपको पता ही है उनका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है नॉट फिक्स्ड होता है प्रेफरेंस वालों का फिक्स्ड होता है ठीक है तो फ्लक्चुएट करता है यहाँ पे बट इंटरेस्ट तो फिक्स्ड रहने वाला है डू नॉट प्रोवाइड ओनरशिप टू द डिवेंचर होल्डर्स को कोई भी ओनरशिप नहीं मिलती ठीक है बट शेयर में क्या है प्रोवाइड ओनरशिप टू शेयर होल्डर्स डिवेंचर्स होल्डर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्योंकि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पर इनका कंट्रोल नहीं है यूजली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड कैन इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेटेजी ऑफ अ कंपनी क्योंकि देखो एक तो ये ऑनर हो जाते हैं शेयर होल्डर और दूसरा क्या है वोटिंग राइट right इनके पास है क्लियर है, सभी को कोई डाउट किसी का हाँ जी कोई भी डाउट तो आज के हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं हाँ एक और मैंने आपको कल बोला था कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में पूछा जाता है ये कैपिटल रिजर्व क्या है और रिजर्व कैपिटल क्या है यह भी एग्जाम में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका तो इमेज मैंने आपको अटैच कर दिया यहाँ पे रिजर्व कैपिटल द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल कौन सा है रिजर्व कैपिटल देखो एक हमने पढ़ा था आपका शेयर कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल पढ़ा था इशूड कैपिटल पढ़ा था ठीक है सॉरी ऑथोराइज शेयर कैपिटल था हमारा इशूड शेयर अनइशूड शेयर कॉल्ड अप शेयर अनकॉल्ड अप शेयर पेड अप शेयर अनपेड अप शेयर ठीक है और ये सारे पड़े थे बट जो अप था वो क्यों रखती है कंपनी की मानो कंपनी कभी लिक्विडेशन की फॉर्म में आ जाती है कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है तो वो उस तरह का अनकॉल्ड अप कैपिटल में जो उसने कॉल नहीं की होती है ठीक है शेयर्स को जो इशू शेयर की है और कॉल नहीं की होती है वो उन्होंने सेव करके रखा होता है ठीक है सेव करके रखा होता है कि जब मानो कंपनी लिक्विडेट होने वाली होगी तो हम कॉल करके मंगवा लेंगे ठीक है तो इसको क्या बोला जाता है हमारा रिजर्व करके रखा होता है गोज इन टू लिक्विडेशन के लिए और आपका जो कैपिटल रिजर्व है पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व बाय कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज आप यहाँ पे कैपिटल रिजर्व क्या है एक प्रॉफिट का जो मानो मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ गया ठीक है उस प्रॉफिट को मैंने क्या कर लिया रिजर्व करके रख दिया तो ये क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल रिजर्व और reserve और रिजर्व कैपिटल रिजर्व और कैपिटल क्या हो जाएगा ठीक है कंफ्यूज मत होना कि कैपिटल रिजर्व क्या और रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल ठीक है अनकोल्ड कहा से आया कि मानो ये थी मेरी इशूड कैपिटल जो मैंने इशू किए थे शेयर ये थी मेरी अन जो मैंने इशू नहीं किए थे ठीक है कॉल्ड अप क्या हुआ कि मानो जो मेरे पास सब्सक्राइब हुए थे ना लाख लाख मेरे पास सब्सक्रिप्शन में से मैंने मैंने क्या कर दिये? कर दिए दिए अप सबको कॉल करी ठीक है और फोर्टी थाउजेंड मैंने अनकॉल्ड में रहने दिया कि नहीं अभी मैं इनको कॉल नहीं करूंगी जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं इनको मंगवा लूंगी ठीक है तो इसको मैंने रिजर्व करके रख दिया कि मान लो मुझे कभी नुकसान हो गया या कभी लिक्विडेशन के फॉर्म में मेरी कंपनी आ गई ठीक है तो उस कंडीशन में मैं इसको बचा के रखूंगी क्रिएटेड आउट ऑफ ये कैपिटल प्रॉफिट से जितना भी प्रॉफिट हुआ उससे क्रिएट करेंगे कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल हम कहा से क्रिएट करेंगे जो मेरे पास सब्सक्राइब कैपिटल आई थी ना उसमें से मैंने बचा के रखा था एक लाख मेरे पास सब्सक्राइब किया था पब्लिक ने ठीक है उसमें से मैंने सिर्फ साठ हजार को ही कॉल करी है कंपनी ने सपोज ठीक है और चालीस हजार जो थी उसने सेव करके रख ली है कब के लिए मैं तभी कॉल करूंगी जब मेरे को प्रॉब्लम होगी मैं किसी मुसीबत में होंगी कंपनी ठीक है कैपिटल रिजर्व मैंडेटरी है इसको करना ही पड़ता है ठीक है जितना भी आपके पास प्रॉफिट है उसको रिजर्व करके रखना ही पड़ता है भाई वो तो ऑब्वियसली बात है मान लो सैलरी आएगी उसको रिजर्व करके तो रखना ही पड़ेगा ऐसा थोड़ी आज सैलरी आए आज के आज ही उड़ा दिया तो मैंडेटरी है ये ठीक है बट जो रिजर्व कैपिटल है वो वॉलेंट्री है खुद की इच्छा से अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई आपको आने वाले टाइम में लॉस हो सकता है ठीक है तो आपको रिजर्व करके रखना चाहिए तो आप कर सकते हो वॉलेंट्री का मतलब ही होता है खुद की इच्छा से ओके okay. अच्छा मुझे ये बताओ कि जो वॉल्यूम ये होता है ना आपका हमने पढ़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में तो जो प्रॉफिट को ध्यान सॉरी जो लॉस को ध्यान में रखकर चलती है उसका नेम क्या था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए थे जो लॉस को जो प्रॉफिट को नजरअंदाज करेगी बट ये सोचेगी कि आने वाले टाइम में मुझे लॉस हो सकता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का जल्दी से मुझे बताओ जो सिर्फ लॉस को देखेगी प्रॉफिट से उसको मतलब नहीं होगा वो बोलेगी कि आने वाले टाइम में मुझे लॉस हो सकता है कंजर्वेटिज्म ठीक है Prudence भी जिसको बोला जाता है इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है एग्जाम में आंसर दे दिया करो प्लीज स्टार्टिंग में ही देखा था हमने ओके okay, एक मिनट रहता है सिर्फ हमारे पास रेजोल्यूशन क्या है यहाँ पे कैपिटल रिजर्व के लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास किया जाता बट रिजर्व कैपिटल के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है एजीएम के एनुअल जनरल मीटिंग में ठीक है एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन टू राइट ऑफिशियस एसेट और कैपिटल लॉसेज एक्सेट्रा यूज टू पे लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अपलाएंगे जब हमें क्या होगा कंपनी बंद करनी होगी या लिक्विडेशन की फॉर्म में होगी तो हम क्या करेंगे लाइबिलिटीज पे करने के लिए अनकोल्ट कैपिटल को हम बोलेंगे की दे दो भैया पेमेंट ठीक है और डिस्कलोजर लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एडलस नॉट डिस्कलोड रिजर्व कैपिटल डिस्कलोज नहीं की जाती ठीक है प्लीज याद रखना ये एग्जाम में पूछे जाएंगे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जितने भी टॉपिक करवाए हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं चाहे आप डिवेंचर्स की बात कर लो फिर चाहे आप मर्जर एक्जिशन एमलेशन की बात कर लो फिर चाहे आप कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल की बात कर लो ठीक है ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया है तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ रिविजन करते रहो साथ साथ ठीक है सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर और कल मिलते हैं फाइव पी कल हम करेंगे आपका न्यू आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक है जी तो कल तैयार होकर आना सभी अपना दिमाग अपनी आंखें कान ठीक है सब खोल के रखो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल